गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 15. द टॉपिक इज रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. देर आर अदर ऑर्गन्स टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. रोल ऑफ लंग्स, लीवर एंड स्किन इन एक्सक्रीशन. द फर्स्ट of all we will see the role of lungs in the process of excretion. Lungs are the respiratory organs. See here in this figure, lungs are the respiratory organs. They help in excretion of volatile substances like carbon dioxide and water vapor produced during सेल्युलर रेस्पायरेशन. देखो लंग्स जो है तो लंग्स द्वारा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स है लंग्स, तो ये लंग्स द्वारा होलेटाइल सब्सटेंसेस जो है, तो होलेटाइल सब्सटेंसेस फॉर एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जो सेल्युलर रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं तो वो एक्सक्रीट करने का काम लंग्स करता है. दे ऑल्सो एक्सक्रीट होलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन स्पाइसेस एंड अदर फूड स्टफ. देखो तो लंग्स जो है तो वो और क्या एक्सक्रीट करते हैं, अदर एक्सक्रीट वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन स्पाइसेस, मसाले वगैरह जो होते हैं उसमें, या फिर अदर फूड स्टफ जो है उसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है उसको रिमूव करने का काम या फिर एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है. देखो इधर क्या है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है. देन सेकंड ऑर्गन जो है तो वो लीवर. लीवर जो है तो इट सीक्रेट्स बाय कंटेनिंग बिलीरुबिन, बिलीवेरिडिन, कोलेस्टेरॉल, डीग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स. मोस्ट ऑफ देम पास आउट अलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट. देखो लीवर जो है तो ये भी एक ऑर्गन है कि जिसके द्वारा एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है. तो एक्सक्रीशन में क्या क्या होता है लीवर द्वारा, तो इट सीक्रेट्स बाइल कंटेनिंग बिलीरुबिन एंड बिलीवेरिडिन, कोलेस्टेरॉल, डीग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स. तो ये सब लीवर द्वारा प्रोड्यूस होते हैं. मोस्ट ऑफ देम पास आउट अलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट. जो उसमें से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो वो डाइजेस्टिव वेस्ट के दरमियान बाहर निकाले जाते हैं. देन नेक्स्ट जो है ऑर्गन स्किन. स्किन इज द नेक्स्ट ऑर्गन विच कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन. तो स्किन में स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड, ये दो तरह के ग्लैंड उसमें होते हैं. स्किन ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन थिन एंड परमिएबल. देखो मेनी ऑर्गेनिजम्स में स्किन क्या है, थिन रहती है और स्पर्मिएबल रहती है. इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया. देखो कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट ये रिमूव करते हैं, अमोनिया. अदर में इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. डिफ्यूजन द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया वो रिमूव करने का काम ये करते हैं. ह्यूमन स्किन इज थिक एंड इम्परमिएबल. देखो ह्यूमन बीइंग में जो स्किन है ये थिक है और इम्परमिएबल है. इट शोज प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. तो इसीलिए ह्यूमन स्किन थिक और इम्परमिएबल रहने के लिए इसमें दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्किन. जो स्वेट ग्लैंड है वो हमारे या ह्यूमन बींग के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ऑल ओवर द स्किन. दे आर एबंडेंट इन पाम एंड फेशियल रीजन्स. देखो हथेली जो है हमारी, तो हथेली के तलवे पर या फिर फेशियल रीजन्स जो है हमारा, तो उसके ऊपर ये स्वेट ग्लैंड जो है तो ये ज़्यादा मात्रा में हमको मिलते हैं. दीज सिंपल अनब्रांच्ड कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड ओपन ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड स्वेट पोअर. देखो ये जो स्वेट ग्लैंड है तो ये स्वेट ग्लैंड
सिंपल अनब्रांच्ड कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड है विच कैन ओपन ऑन द सरफेस ऑफ स्किन थ्रू एंड ओपनिंग. स्किन के ऊपर जो सरफेस पे जो ओपनिंग रहता है उस ओपनिंग को क्या कहेंगे, इस ओपनिंग को स्वेट पोर कहेंगे. स्वेट इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड फॉर थर्मो रेगुलेशन बट इट ऑल्सो एक्सरीज सब्सटेंसेस लाइक वाटर, सोडियम क्लोराइड, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया. देखो स्वेट ग्लैंड जो है तो ये स्वेट ग्लैंड प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड फॉर थर्मो रेगुलेशन, मतलब हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम होता है, तो ये थर्मो रेगुलेशन में इम्पोर्टेंट रोल है इसका स्वेट ग्लैंड का. बट इट ऑल्सो एक्सक्रीट सब्सटेंसेस लाइक वाटर, NaCl, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड्स. प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू गिव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस. देखो स्वेटिंग होता है ना हमको, तो स्वेटिंग की वजह से हमारे जो बॉडी सरफेस है तो वो क्या रहता है, कूल रहता है, तो ये कूलिंग इफेक्ट हमको देता है. देन सेकंड टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड सीबेशियस ग्लैंड. दे आर प्रेजेंट एट द नेक ऑफ हेयर फॉलिकल्स. ये जो है तो ये कहाँ मिलते हैं हमको, नेक ऑफ हेयर फॉलिकल्स. दे सीक्रेट ओनली सब्सटेंस कॉल्ड सेबम. देखो ये जो है तो ये एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है, उस सब्सटेंस को क्या हम बोलेंगे, सेबम. इट फॉर्म्स अ ल्यूब्रिकेटिंग लेयर ऑन स्किन मेकिंग इट सॉफ्टर. देखो ये सेबम क्या करता है, सेबम प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, मतलब स्किन का प्रोटेक्शन जो है तो ये सेबम करता है. इसीलिए सेबम प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, मतलब इट प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजुरी. इन्फेक्शन हो या फिर इंजुरी हो तो उससे बचाने का काम कौन करता है, ये सेबम करता है. सीबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सेबम. देखो ये कौन से प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं, ये स्टेरॉल्स हो, हाइड्रोकार्बन्स हो एंड वैक्सेस जो है तो ये सेबम के थ्रू एक्सक्रीट या फिर एलिमिनेट किए जाते हैं. और नेक्स्ट है सलाइवा. हमारे बॉडी माउथ में जो सलाइवा रहता है तो ये सलाइवा की वजह से भी कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल जो है तो वो एलिमिनेट्स होते हैं. सलाइवा एलिमिनेट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट. सलाइवा जो है तो वो भी स्मॉल अमाउंट्स में नाइट्रोजीनियस वेस्ट एलिमिनेट करते हैं. ठीक है, तो ये अदर ऑर्गन्स है कि जो एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, या फिर इट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. अदर ऑर्गन्स में तुम्हारे सिलेबस में दिया है स्किन और लंग्स. ये दो ऑर्गन्स है जो दो ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में. ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं. थैंक यू.